अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग बनाने के लिए सोच रहा था और मैंने अपनी एक नई बाइक भी ली थी, वही मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी। और मैंने सोचा कि चलो भाई इसी बहाने एक व्लॉग बनाते हैं, उसमें अपनी बाइक भी दिखा दूंगा और प्लस ये भी दिखा दूंगा कि मैं वीडियो कहाँ बनाता हूँ। मतलब बनावे से वो जगह फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी बनाने के लिए हम वहाँ पहुँच जाते हैं। फिलहाल आप मेरी ये नई बाइक देखिए, उसके बाद रास्ते में बात करते हैं हम। उम्मीद है आप लोगों को बाइक अच्छी लगी होगी। और ये अभी हम जा रहे हैं मैनापुर की साइड, मतलब मैनापुर के पीछे की तरफ एक अपार्टमेंट वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन मिल जाती है वीडियो बनाने के लिए, और कोई होता भी नहीं है। और आपको पता ही होगा सबके सामने बनाने से अच्छा अकेले में जाके बनाओ तो बन भी जाती है, वरना सबके सामने बनाने की हिम्मत तो होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेशन देना वगैरह ऐसा वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं तो बनाते हुए समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो चलो आज आप दिखाते हैं वो लोकेशन। बाकी अभी फिलहाल हम रईसपुर वाले रास्ते पे हैं और मैनापुर की तरफ जा रहे हैं, मतलब मैनापुर नहीं मतलब सदरपुर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, उसके बाद निकलेंगे मैनापुर की तरफ। चलो आगे आपको दिखाता हूँ। और यहीं पे अपराइजिंग एकेडमी भी है, टेनिस एकेडमी देख सकते हैं, यही है वो, काफ़ी बढ़िया बना रखा है इसे भी। ये राइट वाला रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आप सिटी पार्क में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी रास्ता है शॉर्टकट का। बाकी आप आगे से चल के मेन गेट से भी जा सकते हैं, जहाँ से मैनापुर के लिए मुड़ेंगे लेफ्ट लेंगे मैनापुर के लिए, अगर आपको उस पार्क में जाना है तो वहाँ आपको राइट लेना पड़ेगा। ये वाटर टैंक दिख रहा है इसके पीछे, ये सिटी पार्क, शायद सिटी पार्क है ना, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक है अंदाज़ा कि वो सिटी पार्क ही है। यह अब आपको सदरपुर के लिए जाना है तो सीधा सामने वाला रास्ता है, और लेफ्ट जाना है मैनापुर के लिए, और अगर आप राइट जाते हैं तो वो आपको आ जाएगा गोइनपुरम, आ जाएगा वहाँ से आगे चल के थोड़ा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम मैनापुर के लिए निकल रहे हैं, और लेफ्ट साइड में आपको अपार्टमेंट दिख रहा होगा, वो मैनापुर के पास ही है शायद, वो कह सकते हैं शायद वो मैनापुर में ही आता है। और अगर राइट साइड में जाएंगे तो इस वक्त बापूधाम आ जाएगा आगे चल के थोड़ी सी। बस अब यहीं से लेफ्ट लेंगे और ये मैनापुर का ही रास्ता है, तो बस आगे जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं लोकेशन। बाकी ये एरिया काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि अभी ज़्यादा आबादी है नहीं यहाँ पे, हरियाली दिखती है चारों तरफ, एक दो अपार्टमेंट्स हैं, बाकी यहाँ पे लोग कार सीखने के लिए राइडिंग वगैरह के लिए आते रहते हैं। और यहाँ सामने एक पार्क है, वो भी काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये इसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, होगा कुछ केस, यहाँ तो केस चलती रहते हैं। खैर यहाँ पे काफ़ी लोग दिख जाएंगे वॉकिंग करते हुए शाम के टाइम, रनिंग करते हुए, बस यहाँ पे थोड़ी सी रोड ख़राब है, शायद यहाँ पे भी रोड बन रही है अभी। अभी आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिन में यहाँ पे भी रोड बनकर तैयार हो जाएगी, और सामने जहाँ वो अपार्टमेंट दिख रहा है हमें वहीं जाना है, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जितनी आबादी कम है उतनी ही ज़्यादा शांति है, इसलिए यहाँ पे आराम से आके आप लोग भी वीडियो बना सकते हैं जो यहाँ रहते हैं, काफ़ी सुकून है यहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं है। वरना बहुत से अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अलाउ ही नहीं कर रखा है, जैसे राजनगर एक्सटेंशन हो गया, यहाँ पे पता नहीं क्यों अलाउ नहीं कर रखा है वीडियो बनाना, पता नहीं क्या इनका नुकसान हो रहा है, मॉल्स में भी बंद कर दिया है, तो इसलिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, रोड भी अच्छी खासी, और पार्क भी मिल जाते हैं यहाँ दो तीन, जहाँ पर वीडियो बनाने देते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, यही चीज़ अच्छी है इस जगह की।
बाकी आगे नहीं पता, आगे अगर आबादी थोड़ी बढ़ती है या फिर और लोग आते हैं या और भी अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं फिर ये अलाउ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल तो अलाउ कर रखा है। बाकी आपको शाम को यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिख जाएगी, लोग टहलते हुए, वॉकिंग करते हुए, रनिंग करते हुए। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप है नहीं, लेकिन लाइटिंग से थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, वीडियो क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। वैसे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, 2-3 ही वीडियो बनाऊँगा, रील्स पर डाल दी इंस्टाग्राम के। यहाँ पे यार पूरे झाड़ वाड़ बढ़ गई हैं, यहाँ पे कभी कटिंग नहीं करी, जब से बारिश हुई है तब से यहाँ पे झाड़ियाँ और बढ़ गई हैं। बाकी यहाँ राइट साइड में भी एक पार्क है और यहाँ लेफ्ट में भी एक पार्क है, और सामने जहाँ पे वाटर टैंक दिख रहा है वहाँ पे भी एक पार्क है, आप आराम से रूट बना सकते हो, और उसके सामने भी एक पार्क है। और अभी हम यहाँ से राइट ले लेंगे, यहाँ से जाएंगे आराम से सुनसान जगह, आराम से वीडियो बनाएंगे, कोई रोक टोक नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे मैंने सांप के ऊपर से बाइक चढ़ा दी थी, यहाँ बीच में से वो क्रॉस कर रहा था, मैं तेज़ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिलहाल वो शायद बच गया हो, उम्मीद है। बाकी ये खेत हैं, कटाई वटाई हो चुकी है यहाँ पे। बाकी अपार्टमेंट देखते हैं कितना प्यारा लग रहा है, व्यू यहाँ का काफ़ी अच्छा है। ये लो मोर भी दिख गया साथ ही साथ। तो ये वो जगह है जहाँ हम वीडियो बनाते हैं, मतलब काफ़ी सारी जगह है बनाने की, लेकिन फ़िलहाल हम लोग यही बना रहे हैं। काफ़ी सही जगह है, ना कोई रोक टोक है यहाँ पे, ना कोई डिस्टर्बेंस है, आराम से बना लेते हैं और बहुत सारा व्यूज़ मिल जाते हैं अच्छे फ़िल्टर लगा कर, ये काफ़ी और ज़्यादा ग्रीन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर आज काफ़ी गर्मी है, खैर वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कुछ फ़ोटो वगैरह ले लूँ। हाँ, हमें कुछ 3 ही वीडियो बनानी थी तो हमने 3 वीडियो अपनी आज ही बना ली है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपको, शाम को यहाँ पे काफ़ी लोग दिख जाएंगे रनिंग वगैरह करते हुए, टहलते हुए, वॉकिंग करते हुए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है शाम के टाइम, मतलब इस रोड पे रहती है, जिस एरिया पे हम जाते हैं वहाँ नहीं, इस रोड पे काफ़ी लोग मिल जाएंगे, यहाँ के रोड पे मिल जाएंगे आपको। आप जो केवी वाला रोड है वहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे रनिंग वगैरह करते हुए। बस अब यहाँ से अंदर मुड़ेंगे, ये रईसपुर वाली रोड है, रईसपुर से होकर जाता है। अब हमें अगर अंदर जाना है सिटी के लिए तो वो यहीं से जाना पड़ेगा शॉर्टकट, बाकी हम वहाँ से भी जा सकते थे वो, लेकिन वहाँ पे कच्चा रास्ता है, कहाँ है गुरुस के लिए खामा का, गाड़ी वाड़ी में कुछ हो आ गया तो, इसलिए मैंने कहा चलो यहीं से चलते हैं, लंबाई से कम से कम सेफ रहेगा ना, वैसे भी दुर्घटना से देर भली है। बाकी अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे हवा तेज़ चलने लगी है और आंधी आ रही है, और तुम्हें पता है कि गाँव वाला एरिया है, कुछ भी उड़ उड़ के सर्वर पर लग गया तो हो जाएगा काम, व्लॉग बनाते रह जाएंगे। बस मौसम खूबसूरत हो रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है, लेकिन ये है कि हवा काफ़ी तेज़ है, यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी थी, और भाई साहब डर बहुत लग रहा था कि कुछ उड़ उड़ के ना गिर जाए सर पे। और वैसे भी देख सकते हैं कि ऊपर से तार जा रहे हैं, मैंने काफ़ी बार मतलब मैंने देखा है कि आंधी के वक्त मेरे सामने कई बार तार टूट कर गिरे हैं, इसलिए भाई मैंने इधर से कहा इधर भाई रोक गाड़ी, बस इस साथ नहीं जाएंगे। हवा काफ़ी तेज़ थी, बाइक संभल भी नहीं रही थी, और अभी इसमें इतनी पता नहीं चल रही है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ थी और धूल भी काफ़ी उड़ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद इंतज़ार किया हमने तो हवा कम हो गई, उसके बाद हम घर की तरफ निकले, फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं अगर बारिश होती है तो ठीक, वरना हम सामान वगैरह रख कर घर पे, जो बैग वगैरह ले रखा पावर बैंक वगैरह, फिर उसके बाद हम घूमने जाएंगे। दोबारा से हवा तेज़ हो चुकी है, धूल काफ़ी उड़ रही है, दिख रही होगी धूल आपको, ये देखो मुंह पे उड़ उड़ के लग रही है धूल काफ़ी तेज़।
लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, लेकिन उतनी नहीं है, पहले तो बाइक ही नहीं संभल रही थी, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप आसपास देख सकते हो धूल कितनी ज़्यादा उड़ रही है और हवा कितनी तेज़ चल रही है, मुँह पे आके थप्पड़े लग रहे हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बोला था कुछ हवा इतनी तेज़ थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला था मुझे अब खुद समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा चलो जो भी हो मैं यहाँ वॉइस ओवर कर देता हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता आगे वीडियो में। लेकिन कुछ भी को हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही थी और मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका था। अभी आधे घंटे पहले इतनी गर्मी थी, सिर्फ पसीने निकल रहे थे, लेकिन अब जब से ही ये मौसम सही हुआ है काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। अब उम्मीद तो यही थी कि सिर्फ हवा ही चले, लेकिन अभी पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं अब क्या। गाज़ियाबाद वाले तो सिर्फ बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात में बारिश नहीं होती, यहाँ ठंड में बारिश होगी जब ज़रूरत नहीं होती। अभी फ़िलहाल उम्मीद तो पूरी है कि बारिश होगी, लेकिन नहीं होगी इस चीज़ की भी उम्मीद है कि नहीं। लेकिन मुझे इस एरिया में आके बहुत अच्छा लगता है, इस गांव की तरफ जाते हुए, क्योंकि बिल्कुल शांति है, दूर दूर तक हरियाली, ना ज़्यादा घर है ना कुछ, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, जो वाइट बाउंड्री दिख रही है इसके पीछे ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, अच्छा खासा खेलने की जगह मिल जाती है। अभी हम गुलदार रोड पर पहुंचने वाले हैं, अब हम एम ब्लॉक वाले रास्ते पर हैं, मंडी वाले रास्ते से जा रहे हैं। अब ये हम शताब्दी की तरफ अंदर मुड़ चुके हैं, सामान रखकर बाहर भी आ चुके हैं हम लोग, अब जा रहे हैं घूमने के लिए। ये हमारा है एल ब्लॉक वाला रास्ता, ये मतलब ये लेफ्ट साइड में एल ब्लॉक ही है, बाकी राइट साइड में ये जो एरिया आता है फ्री होल्ड में आता है। अब इसे मानसी विहार भी लोग बहुत से लोग बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये मानसी विहार में आता है कि नहीं, गूगल मैप में भी मानसी विहार दिखाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मानसी विहार में आता है, क्योंकि सेम नंबर दो घरों के नहीं हो सकते, और यहाँ पे भी वन से स्टार्ट है। अभी जिसमें मैं खुद रह रहा हूँ वो 17 नंबर है, और मानसी विहार के एंट्री गेट पे भी 17 नंबर है, तो भाई हो सकता है गूगल मैप से गलती हो गई हो। बाकी अभी हम घूमेंगे यहाँ से वहाँ, फिर देखते हैं कोई जगह मिलती है दिखाते हैं, बाकी अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं। बाकी अभी हम सामने एन ब्लॉक में एंटर करा हमने, अब हम यहाँ से जा रहे हैं एन ब्लॉक से होते हुए। ये सामने जो लेफ्ट साइड में आर के आई स्कूल है, और ये राइट साइड में भी एन ब्लॉक है, अब एन ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और ये हम भी फिलहाल दोबारा से एन ब्लॉक वाले रास्ते पर आ चुके हैं, ये जो हम राइट साइड जा रहे हैं इस साइड वो है मानसी विहार, और ये इमामबाड़ा दिख रहा होगा आपको। अभी हम सामने आ रहे हैं जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है इधर, और इस तरफ जागृति विहार है, ये सामने गर्ल्स हॉस्टल है, उसके नीचे जिम है जहाँ मैं जिम करता था, लेकिन फिलहाल मैंने छोड़ दिया है लॉकडाउन की वजह से। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं फ्लो की तरफ, और ये राइट साइड पे पता नहीं कौन सा नगर है, लेकिन यहाँ पे जो पार्क है उसका नाम लक्ष्मी पार्क कहते हैं हम लोग। अभी हम लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, फिर हम जाएंगे चिकन खाने के लिए सामने किंग चिकन में, और ये राइट साइड में जो दिख रहे हैं ये मार्केट त्यागी मार्केट है, और इसके ऊपर है एक फ्लैट जिम, काफ़ी अच्छी जिम है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बॉडी वॉडी नहीं बनेगी। बस थोड़ी सी और आगे, ये भी हम ब्लॉक में एंटर कर चुके हैं, बच्चे दिख रहे होंगे पागल हुए ऐसे, यहाँ वक्त हुए यहाँ सारे ऐसे हैं पागल ही हैं। ये राइट साइड में एन ब्लॉक है, और सॉरी लेफ्ट साइड में एन ब्लॉक है, और राइट साइड में एफ ब्लॉक है, और सामने जहाँ से वो भी कार की लाइट दिखी थी, मतलब ये जो घर दिख रहा है इसके पीछे DDPS स्कूल है। अभी बाइक हमने यहाँ रुकी है, और यहाँ देखेंगे यही है, यही आए हम चिकन खाने। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अभी हमने कुछ ऑर्डर किया है तो चिकन तंदूरी, उसके बाद हम उसे खाएँगे, फिर उसके लिए घर के लिए निकल लेंगे, आपको दिखाएँगे नहीं। ओके बाय।